अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा मसाला। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे और प्याज को हम बिरिस्ता बना लेंगे। मैंने दो बड़े प्याज ली थी, उसे मैंने स्लाइस चॉप कर ली हूँ। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बिरिस्ता बना लेंगे। बिरिस्ता हो चुका है, फिर से हम प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अभी मिक्सी जार में हम बिरिस्ता लेंगे, दो हरी मिर्ची और थोड़ा सी कोथमीर और दो टमाटर ली हूँ मैंने, टमाटर ऐड कर देंगे और दो चम्मच ही हम दही ऐड करेंगे और अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अभी एक कटोरी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे एक चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे हम दो चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से। और मैं चिकन मसाला ले रही हूँ एक चम्मच और अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे पानी ऐड करके। और पेस्ट अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल ली, उसमें हम जीरा ऐड करेंगे एक चम्मच और जो अदरक लहसुन और मसाले का पेस्ट बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे इसे। मसालों को एक से डेढ़ मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम जो बिरिस्ते का पेस्ट बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मिक्सी जार में पानी ऐड करके जो लगा हुआ था वो सब उसमें हम ऐड कर देंगे, अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से हमें भूनना है और उसमें मैं आधे गिलास से भी कम थोड़ा सी पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे अच्छे से मिक्स करके बॉईल आने देंगे। बॉईल आ चुका है तो उसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट हमें से पकाना है, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट ही पकाएंगे उसे। रेडी है हमारा अंडा मसाला। हरा धनिया ऐड करेंगे। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।